हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइड विच मेक्स पीपल यंगर। तो एक थे मिस्टर विली वोंका, वो कुछ इन्वेंशंस मतलब आविष्कार किया करते थे। तो सबसे पहले जो उन्होंने आविष्कार किया था वो था वोंका वाइड, जो कि लोगों को यंगर मतलब ज़्यादा जवान बना देता था। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। तो मगर वो जो वोंका वाइट थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि कुछ लोग तो गायब ही हो गए। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, और मतलब इतनी ज़्यादा उनकी एज जो है, उनकी उम्र माइनस हो गई कि एक इंसान जो था वो -87 हो गया था। विच मीन्स ही इज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। और इसका मतलब था कि उसको 87 ईयर्स वेट करना था जिससे कि वो मतलब वापस आ सके। वो -87 हो गया था। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। और जो विली वोंका थे उनको एक कोई अलग चीज़ इन्वेंट करनी थी अब। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। तो इस पर जो मिस्टर वोंका होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी स्लीव्स जो होती हैं उसको चढ़ा लिया है और मैं दोबारा से काम पर लग गया हूँ। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। और फिर मैंने अपने दिमाग पर फिर से जोर डाला और मैं एक नई रेसिपी की खोज करने लगा। सोच का मतलब होता है खोज करना कुछ। आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। और फिर उसने सोचा कि मैं एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगा जिससे अब लोगों की उम्र बढ़ जाए, वो ज़्यादा उम्र के हो जाएं, ओल्ड हो जाएं। हा हा आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम। और फिर वो एकदम से खुश होकर हा हा कह के चिल्लाए क्योंकि अब उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे थे। वॉट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ क्या है। वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनी थिंग एल्स, और सबसे ज़्यादा टाइम तक क्या जीता है, ये सब वो सोचने लगे। अ ट्री चार्ली सेड, जो चार्ली था उसने कहा कि एक पेड़ है जो सबसे ज़्यादा जीता है। यू आर राइट चार्ली, बट वट काइंड ऑफ अ ट्री। तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, जो डॉक्टर नहीं मिस्टर क्या नाम होता है इनका, मिस्टर वोंका कहते हैं कि हाँ चार्ली तुम सही हो, मगर किस तरीके का पेड़ जो सबसे ज़्यादा जीता है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। नॉट द डॉगल्स फिर, मतलब वो डॉगल्स फिर तो नहीं है, एक तरह का पेड़ होता है फिर ट्री, और डॉगल्स फिर है जो स्पेशल उसकी पर्टिकुलर स्पेशी है, एक नाम है फिर का। नॉट द ओक, ओक ट्री भी नहीं है। नॉट द सिडार, सिडार ट्री भी नहीं है। नो नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन दैट ग्रोस अपन द स्लोज ऑफ व्हीलर पार्क इन नेवाडा USA। तो सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो ट्री होता है उस का नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, जो कि मिलता है व्हीलर पीक, मतलब एक पीक है, माउंटेन पीक है जिसका नाम है व्हीलर, जो कि नेवाडा USA में मिलती है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइंस ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4,000 ईयर्स ओल्ड। और वो बताते हैं ये मिस्टर वोंका को कि जो है आपको ऐसे पेड़ भी मिल सकते हैं जिनकी जो उम्र है वो 4,000 ईयर्स से भी ज़्यादा है, जो आपको मिलेंगे नेवाडा USA की व्हीलर पीक पर। दिस इज़ फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो लोग ट्रीज़ की एज बताते हैं, मतलब ट्री की एज पता चलती है, जो उसका स्टेम होता है ना उसमें कितने सर्कल्स होते हैं उससे ट्री की एज पता लग जाती है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्री की एज बताते हैं। तो वो कहता है कि चार्ली तुम ये पता कर सकते हो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। और फिर जो है, जो ये इन्वेंटर थे जो चीज़ें खोजा करते थे और कभी उम्र कम करने वाली चीज़ बनाते थे, कभी ज़्यादा करने वाली, वो अपने काम पे लग गए। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। तो फिर वो ग्लास का, जो ग्लास जैसा होता है, इसी ग्लास होते हैं, जो कांच होता है उसको ग्लास कहते हैं, एलिवेटर जिससे ऊपर या नीचे जा सकते हैं, उस पर जंप हुए और बिल्कुल जल्दी से वो पूरी दुनिया में घूमने लगे ऐसी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा पुरानी थी। अ पिन ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। तो जो मतलब उसकी एक कोई पिन जैसी, कि थोड़ा छोटा सा पार्ट उससे लेके आए ब्रिस्टल कोन पाइन से, जो कि 4,000 साल पुराना था। द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविक ग्रेगोविच।
तो एक सब बहुत ज़्यादा जो उम्र दराज इंसान था, जो कि रशिया का था, एक फार्मर था, वो उसकी जो पैर के अंगूठा, वो पैर का जो अंगूठा होता है उसका नाखून वो लेके आ गए, एंड एग लेड बाय 200 ईयर ओल्ड टॉर्टॉइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। और वो एक अंडा ले आए एक ऐसे कछुए का जो कि 200 साल पुराना था, और वो किसका था, किंग ऑफ टोंगा का था। टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और अरेबिया से वो लेके आए पूंछ एक हॉर्स की जो 51 ईयर ओल्ड था। विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, और एक कैट का जो विस्कर्स मतलब उसकी जो मूछें होती है ना कैट की, जो 36 ईयर ओल्ड थी उसकी वो मूछें ले आए। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्प्ट्स फॉर 36 ईयर्स, एक ओल्ड फ्लिया उसकी भी उसके क्रम्पेट्स ले आए वो। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत, और तिब्बत से एक काफ़ी बड़ा सा जो रैट होता है, जाइंट का मतलब होता है काफ़ी बड़ा सा जो वो होता है चूहा, जो 207 साल का होता है, उसकी पूछ ले आए वो। ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रीमलकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो कैटेपल, और एक और क्रीचर होता है जिसके ब्लैक कलर के टीथ होते हैं, वो 97 ईयर ओल्ड का था, उसके जो है टीथ ले आए वो। द कंकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटालो फ्रॉम पेरू। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारे जानवरों की जो काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज थे उनकी टेल्स, किसी की टेल्स लाए तो किसी के टीथ लाए, कुछ ना कुछ वो ले आए। अब उन्होंने क्या किया ये हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट आ गया हमारा। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। फिर उन्हें जो एनिमल्स के नाम लिए थे इनके बारे में बताया कि मैं इन सब का कुछ 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 चीज़ ले आया जो कि काफ़ी पुराने जानवर थे, अ हेयर और एन आईब्रो, और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन अ आउंस और टू ऑफ जैम स्क्रैप फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज वाइल इट वॉज स्लीपिंग। और कई बार मतलब वो बताते हैं कि वो क्या क्या लेके आए, कि हेयर ले आए मतलब बाल ले आए, किसी की आईब्रो ले आए, किसी का कुछ थोड़ा सा और पार्ट ले आए, तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे जानवरों से जो बहुत ज़्यादा पुराने थे मतलब बहुत ज़्यादा उम्र दराज थे उनका कोई ना कोई छोटा छोटा पार्ट वो ले आए। आप क्या करते हैं वो आगे, आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, बोबोलिंक, स्काई रॉक, मतलब इन सब चीज़ों के नाम बताते हैं कि किस किस एनिमल को उन्होंने, उनके पीछे पड़े एनिमल्स के और उनका कोई कोई पार्ट ले लिया उन्होंने। एक ऐसे मतलब वेनमस एक स्नेक के पास भी गए जो मतलब दूर से ही काफ़ी ज़्यादा वो अपना जो जहर है वो फेंक सकता था, 50 यार्ड्स दूर तक अपनी आंखों से पॉइजन फेंक सकता था। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। तो फिर वो जो होते हैं जो इन्वेंटर होते हैं वो चार्ली से कहते हैं कि हर चीज़ के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कपफुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गे 4 ड्रॉप्स ऑफ इट। तो फिर वो बताते हैं कि ये सब चीज़ें जो लेके आए हैं वो उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब वो हीट करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, वो इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, और जब वो अपने जो इन्वेंटिंग रूम है जैसे वो सारी इन्वेंशन करते हैं उसमें सब बनता है तो क्या निकलता है, एक बहुत ही छोटा सा मतलब एक ऑयली सी कोई चीज़ होती है जो ब्लैक कलर की होती है, और वो एक उसे बहुत ही छोटे से कप में कर लेते हैं जिसकी जो है 4 ड्रॉप सिर्फ किसी को मतलब बूढ़ा बना सकते हैं, जवान बना सकते हैं। तो ये वाला जो इन्वेंशन कर रहे थे इसमें बूढ़ा बनाया था इन्होंने, तो किसको बनाया था, एक 20 ईयर ओल्ड था कोई ओम्पा लोम्पा, जो एक वॉलंटियर था, जो वॉलंटियर मतलब जो खुद ही आता है कि हाँ आप हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो खुद आया था। तो उसने इस ड्रिंक ने जो बनाई थी बूढ़ा करने वाली, उसने क्या किया था अब वो देखते हैं। व्हाट डिड हैपन चार्ली, राइट, तो चार्ली उससे पूछता है इन्वेंटर से कि क्या हुआ था। इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, द मोमेंट ही स्वॉलोड ही बिगेन व्रिंकलिंग एंड श्रिलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट। और फिर वो बताते हैं जैसे कि वो जो मेरी इन्वेंशन थी बूढ़ा करने वाली, जैसे ही वो जो वॉलंटियर था ओम्पा लोम्पा उसने पिया तो उसके मतलब दांत गिरने लगे, उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगे, उसके मुंह पे झुर्रियाँ पड़ने लगीं और वो एकदम से बूढ़ा हो गया। कितना, 75 ईयर ओल्ड। जो ये वीटा वोंका था ये इसका नाम था, मतलब ये जो ड्रिंक थी जो बूढ़ा बनाती थी इसका नाम था वीटा वोंका, और जैसे ही वॉलेंटियर ओम्पा लोम्पा ने उसको पिया तो पहले तो वो 20 साल का था और फिर उसको पीते ही वो 75 ईयर्स का हो गया। और ये पूरी स्टोरी थी जिस तरीके से वो बूढ़ा बना था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसकी शॉर्ट सी समरी ये है कि एक इन्वेंटर थे मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशंस करते रहते थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था मिस्टर विली वोंका।
मिस्टर विली वोंका कभी किसी को बहुत ज़्यादा एजड बना सकते थे या फिर किसी को बहुत ज़्यादा यंग बना सकते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने यंग बनाने वाली कोई इन्वेंशन की, तो उसमें क्या होता था कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव था वो कि एक बार एक इंसान की जो एज हो गई वो -87 हो गई। फिर उनको लगा कि अब मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे मैं लोगों की एज बढ़ा सकूँ, जिनको बूढ़ा बना सकूँ। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे जानवरों के जो बहुत ज़्यादा बूढ़े बूढ़े जानवर थे उनके कोई कोई बॉडी पार्ट, किसी के बाल, किसी के विस्कर्स, तो किसी की पूंछ, इस टाइप से वो लेके आए और किसी पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे जानवरों के। और फिर उन्होंने एक बॉइलिंग करी अपने इन्वेंटिंग रूम में और मिक्सिंग करी, और फिर उसके बाद उनको एक ब्लैक कलर मतलब कोई लिक्विड सा, स्टिकी सा लिक्विड मिला, जिसको पीने के बाद एक जो वॉलंटियर था उसकी एज 75 हो गई। और जब वो उसने वो पिया था तब उसकी एज थी 20, और उसको पीते ही उसकी एज हो गई 75। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।